धनबाद में तोपचांची में विकास योजनाओं में घोर अनियमितता बरती जा रही है। आनन फानन में घटिया निर्माण कर मार्च लूट की कोशिश हो रही है। वहीं निरीक्षण के नाम पर अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति में जुटे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। धनबाद के तोपचांची में मार्च लूट, विकास योजनाओं में अनियमितता, निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति। तोपचांची प्रखंड कार्यालय से महज 100 मीटर दूर विकास योजनाओं में लूट मची हुई है। लाइब्रेरी के निर्माण में न सिर्फ घटिया ईंट का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि बिना पिलर के ही दीवार खड़ी की जा रही है। यही नहीं, जोरिया में घाट और पीसीसी के निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर जिला परिषद के कार्यालय अभियंता ने निर्माण कार्य का जायजा लिया और तत्काल लाइब्रेरी के निर्माण को रोकने का आदेश दिया। 75B तो प्रोविजन ही है, सेकंड क्लास प्रोविजन है, इसीलिए प्रोविजन हम लोग करते हैं कि ज्यादा है रखे न कोई कर सके। थर्ड क्लास कहीं डाला जाएगा तो बदल देगा, वो करेगा, नीचे वो जो सर टाइमिंग वगैरह सब ठीक करेगा, जो भी है ना। अब तो रोक दिया ना, करेगा। मीडिया के सवालों पर कार्यपालक अभियंता फंस गए और मीडिया पर ही भड़क उठे। पूरे मामले पर आज सुने कार्यपालक अभियंता पर निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति करने, साथ ही अधिकारियों और ठेकेदारों में मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। वही बीडीओ ने पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इंजीनियर और विभाग के सभी अन्य वरीय पदाधिकारी सारे लोग इसमें मिले हुए हैं और जो है ये मोटा कमाने का एक अच्छा इन लोग तरीका निकाला है कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति किया। चलिए इसको हम देख लेते हैं, अगर ऐसा है तो फिर उसको वरीय अधिकारियों का हम अवगत कराएंगे कि भाई ऐसा हो रहा है। एक बार हम इसको जाँच कर लेते हैं, जाँच करके फिर यही के साथ हम क्या करते हैं देख करके फिर इसको जैसा होगा फिर इसको रिपोर्ट करेंगे। आगे फिर देखने के बाद फिर जो भी होगा हम बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि जब निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो काम रोकने के साथ ही ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कहीं निर्माण कार्य दिखाकर मार्च लूट की कोशिश तो नहीं हो रही? न्यूज 11 भारत के लिए गोमो से राजू की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।